मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर अंतर्गत रुस्तमपुर तिगरी के पीड़ित परिवार ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार बृहस्पतिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा और एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गत 21 जुलाई को उनके पड़ोसी मुजफ्फर के दो पुत्रों राशिद व सालिम द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें मंत्रशाह व परिवार के अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका मेडिकल परीक्षण जिला चिकित्सालय में कराया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है, बल्कि 27 जुलाई को उल्टा परिवार के मुखिया जमीर अहमद पर झूठी एनसीआर दर्ज करा दी गई है। आरोप है कि आरोपियों द्वारा लगातार फैसले का दबाव बनाया जा रहा है और फैसला ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित जमीर अहमद की पुत्री घायल मंतशा ने बताया। क्या नाम है आपका? मंतशा जी, कहाँ से आई हैं आप? रुस्तमपुर टिगरी। थाना कौन सा लगता है? भोजपुर। क्या शिकायत है आपकी? सर, हम घर पे, मैं, मेरे सिस्टर और मम्मी घर पे थे, पापा भी घर पे नहीं थे और ना ही भैया थे, वो एग्जाम के लिए गए थे। 21 तारीख में और 7 बजे के टाइम शाम को, तो इसी वक्त हम खाना बना रहे थे तो गाली गलौज पापा को उल्टा सीधा बकने लगे पड़ोसी, और हमने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, जब आपको घर पे आ जाएंगे तब कह देना जो भी कहना, तो बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज, इसी दौरान पत्थर बरसाने लगे, और जिसके बीच की घटना हुई कि मेरे पत्थर लगा और चोट अम्मी के भी लगी और बहन के भी लगी। इसी दौरान हमने कंप्लेंट करी भोजपुर, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा हमारे खिलाफ ही NCR करवा दिया। आज किससे मिले आप? SSP। क्या मांग करी आप? हमने अपनी बात रखी, अभी वो कार्रवाई कर रहे हैं।